नीतीश कुमार कभी मोदी से निकाह कर लेते हैं, फिर ट्रिपल तलाक दे देते हैं, फिर तेजस्वी से निकाह कर लेते हैं, उनको तलाक 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 कह देते हैं, फिर मोदी जी से निकाह अखदेशानी कर लेते हैं, फिर उनको तलाक दे देते हैं, फिर तेजस्वी से वलीमा कर लेते हैं। मगर तुम्हारी जबाने गूंगी कब क्यों हो जाती है, जब गुल्लास को मारा गया, जब रिजवान के 8 साल के बच्चे को गले में रस्सी डालकर उसकी माँ से 8 दिन तक उसको महरूम रख दिया गया। तुम्हारी जबाने खुलती नहीं है। गाया में, समस्तीपुर में मॉब लिंचिंग का वाकया होता है, अख्तर अली मान जाते हैं, मगर इनकी जबाने कब खुलती है कि ओवैसी को गाली दो, अख्तर अली मान को गाली दो। अरे कभी मजलूम का साथ तो दो, कभी जिसको जो 8 साल का बच्चा अपनी माँ से महरूम हो गया उसके लिए लड़ो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो, मजलिस आपके साथ थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि 2025 का असेंबली का चुनाव होगा, नीतीश कुमार और तेजस्वी को मैं वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप तमाम के भरोसे पर, आपके एतमाद का हवाला देकर कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार ठाकुरगंज हमारा था और हमारा ही विधायक यहाँ से कामयाब होगा। तूने धोखा देकर, तुमने दौलत के बलबूते पर उस बेईमान को खरीद लिया, मगर सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, अख्तर अली मान एक तरफ, हम दौलत के बलबूते पर, ताकत के बलबूते पर अपना ईमान बेचने वाले नहीं है। हम गरीबों के दरमियान थे, मजलूमों के दरमियान थे, सीमांचल की जमीन से हमारा सियासी सफर का शुरुआत हुई और सीमांचल के दरमियान में रहेंगे, लड़ेंगे। और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव याद रखो, मैंने गलती की कि पिछले विधानसभा में मुझे कम से कम 50 असेंबली सीट पर उम्मीदवार खड़ा करने चाहिए थे, अब ये गलती नहीं करूंगा तेजस्वी नीतीश कुमार। बिहार के कोने कोने में मजलिस का कैंडिडेट खड़ा होगा और 2024 में इंशाअल्लाह ताला सिर्फ किशनगंज पर नहीं लड़ेंगे, बिहार के बहुत से पार्लियामेंट की सीटों पर मजलिस अपना उम्मीदवार को खड़ा करेगी। तुम मुसलमानों की सीमांचल की लीडरशिप को खत्म करना चाहते थे ना, इंशाअल्लाह ताला नीतीश कुमार ख्वाब देख रहे कि मैं अब प्रधानमंत्री बनूंगा। नीतीश कुमार तेजस्वी सुन लो, दिल्ली का रास्ता बहादुरगंज और सीमांचल से होकर जाता है और इस सीमांचल में अगर तुम्हारे सामने और मोदी के सामने कोई खड़ा होगा सीमांचल के इंसाफ के लिए तो उसका नाम अख्तर अली मान और असदुद्दीन ओवैसी होगा। नीतीश कुमार कभी मोदी से निकाह कर लेते हैं, फिर ट्रिपल तलाक दे देते हैं, फिर तेजस्वी से निकाह कर लेते हैं, उनको तलाक 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 कह देते हैं, फिर मोदी जी से निकाह अखदेशानी कर लेते हैं, फिर उनको तलाक दे देते हैं, फिर तेजस्वी से वलीमा कर लेते हैं। अब आप बताइए कि किसने पलटू राम कहा था? हमने कहा था, हमने तो नहीं कहा था। तीन मरतबा बीजेपी से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, हमारा जुर्म सिर्फ इतना है कि हम आपको लीडर बनाना चाहते हैं जो नीतीश कुमार और मोदी और तेजस्वी को पसंद नहीं है। हमारा जुर्म सिर्फ इतना है कि हम सीमांचल के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। हमारा जुर्म सिर्फ इतना है कि हम बहादुरगंज की जनता की आवाज, उनकी तकालीफ को दूर करना चाहते हैं। यही मेरा अख्तर अली मान का जुर्म है। मगर मैं इन तमाम से कहना चाह रहा हूं कि सीमांचल के इंसाफ के लिए, बहादुरगंज के इंसाफ के लिए, बिहार में एक मजलूमों की खियादत बनाने के लिए अगर जुर्म है तो सुन लो, मैं जिंदगी भर ये गुनाह करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम, मेरा यकीन है कि ये जुर्म मुझे आखरत में अख्तर अली मान को, हम तमाम को आखरत में अल्लाह हमको बख्श देगा।
क्योंकि हम जालिमों से मुकाबला कर रहे हैं, मजलूमों के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मजलिस को और मजबूत करिए। अरे लोग आएंगे चले जाएंगे मगर मजलिस बाकी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये लोग ख्वाब देख रहे हैं मजलिस को दबाने का। अरे मजलिस कोई मुर्गी का बच्चा नहीं है दबा दिया जाएगा। मजलिस शेरों की जमात है, मजलिस लड़ने वालों की जमात थी और रहेगी। मैं आपके दरमियान में था और आता रहूंगा। बहादुरगंज के लिए लड़ते रहेंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि मजलिस का आप और साथ दीजिए, मेंबर बनिए, संगठन को मजबूत करिए। सीमांचल की लड़ाई जारी रहेगी। क्या आप सीमांचल के लिए मजलिस के साथ हैं? तो लगाइए मेरे साथ सीमांचल की जमीन जिंदाबाद, सीमांचल की जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।